हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्जाम हेल्पर में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके ढेर सारे कमेंट आ रहे थे कि सर NBS JSA 2024 के लिए क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है, क्या सेफ स्कोर रह सकता है, किस टारगेट को लेकर हम तैयारी करें कि हमारा इस बार NBS का JSA का जो एग्जाम है वो क्रैक हो जाए। तो चलिए वही डाउट आपका इस वीडियो में क्लियर कर देता हूँ कि किस टारगेट को लेकर आपको तैयारी करनी चाहिए। लास्ट ईयर क्या इसकी सिचुएशन थी, इस बार क्या सिचुएशन है, पूरा कुछ आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, और चैनल पर नए हैं तो NBS से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो किसी देर के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, NBS जैसे एक्सपेक्टेड कट ऑफ या सेफ स्कोर 2024 के लिए ये हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। अब कमेंट में ये मत बोलना कि भाई एग्जाम तो हुआ नहीं है, तुम एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्यों बता रहे हो। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ, आपके ढेर सारे कमेंट आ रहे थे और ये बेसिकली सेफ स्कोर है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ कह लो या सेफ स्कोर कह लो, आपकी लैंग्वेज में जो भी आपको समझ में आए मैंने उस लैंग्वेज में आपके लिए यहाँ पर लिख दिया है। बेसिकली मैं इस वीडियो में ये बताऊँगा कि आप मतलब इस बार की जो सिचुएशन रहेगी एग्ज़ाम के लेकर, एग्ज़ाम किस लेवल तक का आता है, क्या आएगा उसमें, और कितने मार्क्स तक हमें सेफ रखना चाहिए कि हम कम से कम इतने मार्क्स तो वहाँ अटेम्प्ट करके आएँ तब जाके हमारा एग्ज़ाम निकलेगा। वो जब पेपर हो जाएगा उसके बाद सिचुएशन लगेगी, बट अभी तो हमें एक टारगेट लेना पड़ेगा ना कि भाई इतना टारगेट तो हम लेके चले, लास्ट ईयर ये सिनेरियो था, इस बार ये सिनेरियो है कि हमारा इस बार एग्ज़ाम निकल जाए। तो वो कुछ आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। देखिए, तो सेफ स्कोर क्या रह सकता है 2024 के लिए, वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। देखिए, कुछ चीज़ों का ध्यान रखिएगा कि इस बार का, ठीक है, इससे पहले भी जो 2022 में एग्जाम हुआ वो भी आपका 130 क्वेश्चंस का था, या 130 मार्क्स का आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो 130 में से ये स्कोर मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहली बात, ये आपका जो कट ऑफ डिपेंड करेगा, देखिए इस बार क्या हुआ है, एजेंसीज की चेंज हो गई है। इससे पहले TCS थी, अब इसका NTA एग्जाम जो है लेने वाली, तो अभी हो सकता है इसमें इस बार हमें पेपर थोड़ा इजी साइड देखने को मिले, या मॉडरेट साइड देखने को मिले, या जो लास्ट ईयर में पेपर आया था उससे भी टफ देखने को मिल जाए। क्योंकि लास्ट ईयर का जो पेपर था वो मॉडरेट टू हाई था, है ना, ईजी टू मॉडरेट नहीं था, मॉडरेट से हाई की तरफ था। तो हो सकता है कि इस बार भी वो इस सिनेरियो को लेके चले, या हो सकता है कि ईजी टू मॉडरेट रख दे, या हो सकता है कि हाई लेवल पे ही जाके रख दे। तो वो हम बाद में डिसाइड करेंगे, क्योंकि NTA की जो एजेंसी है वो यहाँ पर चेंज हुई है। बट हम यहाँ तक मानते हैं कि पेपर आपका मॉडरेट की साइड ही आने वाला है, क्योंकि जो ये NTA भी पेपर बनाएगी तो उससे पहले वो पेपर चेक करेगी कि लास्ट ईयर इससे पहले दो तीन बार जो एग्जाम हुआ है 2019 में, 2022 में, और उससे पहले 2017 में, तो उस समय कौन कौन से लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है, वहाँ पर कौन कौन से लेवल के क्वेश्चन पूछे, किस किस जोन से, किस किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, सारा कुछ वो ध्यान में रखेगी, उसके बाद आपके लिए पेपर बनाएगी, ठीक है। तो हम मॉडरेट पेपर लेकर चल रहे हैं, लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग हम पेपर इसको मान के चल रहे हैं। दूसरी बात की वैकेंसी इस बार कम है, कितनी वैकेंसी कम है यहां पर मैंने लिख दिखा दी कि 2022 में जब वैकेंसी निकली थी 709 थी, इसमें ये इंक्लूड कर दिया, वैसे जो वैकेंसी थी वो थी 622 वैकेंसी, ठीक है। ये जब जो इसमें कोटा होता है वो VHO हैंडीकैप्ड का और एक्सेलरेशन का, वहाँ 709 थी। बेसिकली जो रिजल्ट आया था आपका 622 पोस्ट के लिए वैकेंसी थी, 621 पोस्ट का ये रिजल्ट आया था, ठीक है। रिजल्ट कितने का था, 621 का, एक पोस्ट का इन्होंने रिजल्ट नहीं दिया था। इस बार कितनी वैकेंसी है 2024 में, 381 वैकेंसी है, ठीक है, कितनी है 381। तो यहाँ पर हम देखिए, अगर 709 में से करेंगे तो 328 आ रहा है, बट हमें ये वाला डाटा नहीं लेना, हमें 622 वाला डाटा लेना। तो दो में से एक गया एक, 12 में से आठ गया चार, और पाँच में से तीन गया दो, 241 वैकेंसी का यहाँ पर आपको डिफरेंट देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो 241 वैकेंसी कम है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, 241 वैकेंसी अपने आप में बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये इसका भी हमें इंपैक्ट देखने को पड़ेगा, साथ ही साथ एजेंसी जो चेंज हुई है उसका भी हमें इंपैक्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। दूसरी चीज़ कि बच्चे जो रेगुलर तैयारी कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं कॉम्पिटिशन को हाई कर देते हैं, तो वो भी यहाँ पर एक इंपैक्ट है। बट इसमें एक मेन फैक्टर जो रहेगा ना, जो एग्जाम के कट ऑफ को थोड़ा कम करने की कोशिश करेगा, वो रहेगा टोटल फॉर्म फिलअप का डाटा। क्योंकि इस बार क्या हुआ है, जो फीस भरवाई गई है फीस वो बहुत ज़्यादा हाई कर दी गई है। जो इस बार फॉर्म भरने का सिनेरियो था उसमें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बच्चों को दिक्कत आई है, तो उसकी वजह से भी कम फॉर्म यहाँ पर भरे गए हैं। किसी किसी ने गलत फॉर्म हुआ तो दोबारा भरने की कोशिश नहीं की, क्योंकि फीस यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई कर दी। तो मैंने इसके लिए RTE का रिप्लाई भी लगाया था, आप लोगों के लिए वीडियो भी बनाया था, जो कि NBS की मैंने RTE लगाई थी, उसने तो तुरंत रिप्लाई दे दिया, क्योंकि जवाब था नहीं उनके पास, रिप्लाई दे दिया मैंने, दोबारा RTE फाइल कर दिया NBS के लिए। इसके अलावा मैंने एक NTA को सेम डे एक RTE फाइल किया था, बट उसका जवाब अभी तक नहीं आया। तो जैसे ही उसका जवाब आ जाएगा मैं उसका जवाब भी आपको दे दूंगा, तो उसमें हमें डाटा मिल जाएगा कि कितने टोटल फॉर्म फिलअप हुए। मैं अनुमान लगा रहा हूँ कि जो लास्ट ईयर में फॉर्म फिलअप हुए थे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कम ही फॉर्म फिलअप आप लोगों को देखने को मिले होंगे, ठीक है। चलिए, दूसरा, फीस ज़्यादा है तो उसके वजह से कम फॉर्म हो, ठीक है। तो एक तो चलिए वैकेंसी कम है, बट इसका हमें इंपैक्ट देखने को मिलेगा कि थोड़ा सा फॉर्म यहाँ पर कम हमें देखने को मिलेंगे, बट फिर से कंपटीशन तो हाई होते ही जा रहा है दिन ब दिन। चलिए, तो अब देखते हैं 2022 में क्या कट ऑफ रही थी, 2024 में क्या सिनेरियो रह सकता है। 2022 की जो कट ऑफ रहेगी वो आपकी रहेगी 381 वैकेंसीज पर, सॉरी 381 नहीं, 622 वैकेंसी की ये कट ऑफ थी। ये हमारी जो रहेगी वो 381 जो पोस्ट हैं उसके ऊपर ये कट ऑफ रहने वाली है, ठीक है। तो ये यहाँ पर चीज़ ध्यान रखिएगा, ओके।
चलिए, अब आप कहेंगे ये वाला कट ऑफ कहाँ से मिला भाई, तो इसके लिए वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब पर विद पीडीएफ ऑफिशियल, जो एनबीएस के द्वारा जारी किया था। आप मेरे चैनल पर चले आएंगे तो एक प्लेलिस्ट मिलेगी एनबीएस एग्जाम 2024 के नाम से, उसमें क्लिक करना, ढेर सारे वीडियोस एनबीएस से रिलेटेड आपके बहुत सारे डाउट्स होंगे तो उसमें आपके क्लियर हो जाएंगे, वहां से देख लेना। दूसरा, आपकी क्लासेस चल रही हैं, ठीक है, वो चल रही है आपकी द एग्जाम हेल्पर जीके के चैनल पर। पिछले कुछ दिनों से मैंने क्लासेस नहीं डाली थी, अब मैं उनको कंटिन्यू कर दूंगा तो उसमें जुड़ जाएगा, ठीक है, तो जल्दी से उसको भी ज्वाइन कर लेना। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा या YouTube के सर्च बार में जाकर द एग्जाम हेल्पर जीके डाल देंगे तो वहां से भी आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। और दोनों टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहां पर अपडेट दिया थी, एक है द एग्जाम हेल्पर जो मेन चैनल है मेरा, दूसरा है द एग्जाम हेल्पर जीके जहां पर आपको पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड कराई जाती है और जीके के फैक्ट्स वगैरह जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो आपको वहां पर मिल जाते हैं, ठीक है, तो ये सब आप फॉलो कर लेना। वहीं पर आप उस प्लेलिस्ट में जाएंगे यूट्यूब पर, वीडियो यूट्यूब की प्लेलिस्ट पर है, तो वहां पर आपको एनवीएस जैसे 2022 कट ऑफ के नाम से एक वीडियो दिख जाएगा, उसको देखेंगे तो मैंने उसमें ये कट ऑफ पूरा डिटेल में बता के रखा हुआ, तो वहां से आप देख सकते हैं, ये डाटा मैंने वहीं से आपको पिक किया हुआ 2022 से। ओके चलिए, तो यूआर के लिए मैं मिनिमम कट ऑफ बता रहा हूँ, ठीक है, ये जो कट ऑफ है ना, ये मिनिमम कट ऑफ पर जो बंदा पास था 2022 में, मैंने ये उठाई, हाईएस्ट तो बहुत निकल गया था, 130 का पेपर है ना, हाईएस्ट कट ऑफ गया था 133 पॉइंट समथिंग गया था, है ना, यानी कि कट ऑफ से भी तीन साढ़े तीन नंबर ऊपर चला गया था कट ऑफ, वो नॉर्मलाइजेशन के केस में होता, ठीक है। और जो ये आप देख रहे हैं ये मिनिमम कट ऑफ है, यानी कि यूआर कैटेगरी का कोई बंदा है जिसके 80 नंबर थे वो इस एग्जाम को पास कर गया था, वो सबसे लोएस्ट बंदा था, ठीक है, सबसे हाईएस्ट जो बंदा था उसके 133 पॉइंट समथिंग यहाँ पर मार्क्स थे, ठीक है। और ये जो मिनिमम कट ऑफ आप देख रहे हैं ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, ठीक है, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, यानी कि इसमें नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लगी हुई है, उसके बाद यह है, यानी हो सकता है इसके जो 80 मार्क्स हैं ये कहीं ना कहीं आपके 70 75 ये 76 77 भी रहे होंगे, ठीक है, तो इससे कम मार्क्स हो सकते हैं, नॉर्मलाइजेशन के बाद उसके दो नंबर बढ़े, चार बढ़े, 10 भाई 15 20 नंबर तक बढ़े, तो हो सकता है इसके मार्क्स 60 होंगे, इसके मार्क्स बढ़ गए, तो ये भी सिनेरियो, ठीक है, बट हम इसी को लेकर आधार मानेंगे, नॉर्मलाइजेशन हम यहाँ पर नहीं इंक्लूड करते, ठीक है। तो ये मिनिमम कट ऑफ था प्रत्येक कैटेगरी का, क्या था, देखिए यूआर का जो बंदा था वो 80 नंबर पर क्वालिफाई यहाँ पर कर गया था टाइपिंग के लिए, ठीक है, टाइपिंग के लिए यहाँ पर क्वालिफाई कर गया था। ओबीसी की बात करें तो 75 नंबर लाने वाला बंदा यहाँ पर क्वालिफाई कर गया था। एससी की बात करें तो 71 नंबर लाने वाला यहाँ पर क्वालिफाई कर गया था। एसटी 68 नंबर और ईडब्ल्यूएस 75 नंबर, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स में नंबर थे जैसे कि 75 पॉइंट समथिंग, इसमें 79 पॉइंट समथिंग, तो मैंने इसको एक एवरेज मान के आपको बता दी, ठीक है, पॉइंट तो मैं नहीं गिन रहा हूँ, ठीक है, तो 80 यूआर का, ओबीसी का 75, ईडब्ल्यूएस का 75, एससी का 71, एसटी का 68, इतने नंबर लाने वाला व्यक्ति 2022 में टाइपिंग के लिए सिलेक्शन ले चुका था, ठीक है। वहीं फाइनल कट ऑफ की बात करें तो दो दो तीन तीन चार चार नंबर का गैप आया था, तो यूआर का मान के लिए 85 फाइनल हो गया, इन पांच पांच नंबर बढ़ा ली हार्डेस्ट, तो उतने नंबर पर सबका सिलेक्शन हो चुका था यहाँ पर, ठीक है। चलिए, और ऐसा नहीं कि हर बार कट ऑफ बढ़ा ही था, कट ऑफ कम भी होता, क्यों, क्योंकि जिसके ज्यादा नंबर थे उस पर टाइपिंग नहीं निकली तो कम नंबर वाले निकाल के लिए टाइपिंग, तो वो तो बंदा हट ही गया ना, तो कट ऑफ और ऑलरेडी कम हो गया, ठीक है, तो ये एक सिनेरियो होता है, ठीक है। तो ये आपका क्या था, 2022 का कट ऑफ गया था। 2024 में 381 वैकेंसी पर क्या इस बार कट ऑफ रह सकती है, तो देखिए मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको कि क्या एक्सपेक्टेड और कितना नंबर तक आपको तैयारी करनी चाहिए। मैं ये टारगेट तो रखता हूँ भाई कि इतना टारगेट रखूंगा तो मेरा क्या है ये इस बार की कट ऑफ कम से कम टाइपिंग के लिए तो निकली जाएगी, ठीक है। तो 381 में से देख, सबसे पहले मैं बता रहा हूँ कि इसमें इंपैक्ट किस किस चीज़ का पड़ेगा, एक तो वैकेंसी कम है उसके कंपैरिजन में थोड़ी सी हाई करेगी, बट कहीं ना कहीं जो फीस वाला और जो टोटल फॉर्म फिलअप उसके वजह से हुए वो इसको थोड़ा सा डाउन रखने की कोशिश करेगा। दूसरा, एनटी की एजेंसी चेंज है, अगर इसने कुछ गड़बड़ की, इसने पेपर थोड़ा सिंपल डाल दिया तो हाई चला गया, मॉडरेट डालेगा तो इसी के बराबर रहेगा, या थोड़ा हाई लेवल का पेपर डाल दिया तो कट ऑफ इससे भी कम चला जाएगा, ये भी इंपैक्ट करेगा। तो मैं एक एवरेज आपको बता देता हूँ कि कितना आपको रखना चाहिए, ठीक है। यूआर की बात करेंगे, ठीक है, इसी के एवरेज में ले लेना, ठीक है, जो यहाँ पर एरो लगे हैं तो इसकी कैटेगरी के सामने मैंने आपको यहाँ पर दर्शा दिया, ठीक है, इस तरीके से आप मान के चलिएगा, ठीक है। तो हम किसकी बात करें, यूआर की बात करें, तो यूआर की अगर कोई तैयारी कर रहा है यूआर का बंदा, तो वो अपना एक सेफ टारगेट क्या रखे, तो मैं बता रहा हूँ आपको 85 से 90 के बीच है ना, अभी आप स्कोर कर रहे हैं मॉक टेस्ट में, तो आप इसको जो है क्या करेंगे, इतना आप स्कोर अभी आपका आना चाहिए, ठीक है, इससे ज़्यादा ही आना चाहिए, इससे कम अगर आ रहा है तो दिक्कत की बात है, ठीक है, इससे तो ऊपर ही आपका आना चाहिए। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो भाई 80 से 85 के बीच में रहना चाहिए आपका। एससी की बात करें तो भाई कम से कम 75 से 80 के बीच में रहना चाहिए। वहीं एसटी की बात करें तो यहाँ पर देखिए 70 से 75 के बीच में, और ईडब्ल्यूएस की बात करें वही 80 से 85 के बीच में, ठीक है, ठीक है। तो मतलब इससे कम नहीं आना चाहिए भाई, इससे ऊपर कितना भी हो जाए बट इससे कम नहीं, इसके बीच में तो ठीक ठीक लाइन पे आप चल रहे हैं और अपनी तैयारी को बूस्ट कर लिए, ठीक है। मॉक टेस्ट आप देते ही होंगे ना, टेस्ट बुक के चल रहे हैं भाई, अभी ऑफर भी चला तो मेरा कूपन कोड लगा लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कूपन कोड है मेरा V1NW47, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके अवेल कर लेना। सारे मॉक टेस्ट एनबीएस के जितने भी एग्जाम है सारे, इसके अलावा एसएससी बैंक रेलवे जितने हो रहे हैं सारे आपको मिल जाएंगे, तो इसको जरूर परचेस कर लेना, ठीक है। और तो ये आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो कम से कम इतना मार्क्स आपका आना चाहिए
प्रत्येक कैटेगरी का मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया, EWS के सामने इतना, ST के सामने इतना, SC के सामने इतना, OBC का इतना, UR का इतना, ठीक है। वो इतना तो कम से कम आपको स्कोर करना ही चाहिए, इससे ऊपर जा रहा है तो बेटर है, बट इससे कम नहीं होना चाहिए, है ना। तो आप कॉम्पिटिशन में है, अगर इससे कम है तो आप कॉम्पिटिशन में नहीं है। तो आई होप, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। क्लासेस आपकी मैं रेगुलर करने वाला हूँ, है ना। तो वो द एग्जाम हेल्पर GK वाला चैनल है, उसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।